सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्नोमिट्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में। इसका जो बेसिकली जो बैक पैनल होता है दोस्तों, मैंने लिया है गामा ग्रीन कलर पे, जिसका ब्लैक है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैंने ग्रीन में लिया है या फिर मेरा व्हाइट है और अब तो ब्लू भी आ गया है, तो उसमें जो है आज आए या कल आए, इसमें जो स्क्रैचेस और डस्ट के कारण जो है बैक कवर जो आप लगाते हैं तो फिर इसमें जो स्क्रैचेस वगैरह पड़ सकती हैं। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके कारण जो है आपके जो है बैक टेम्पर्ड पर कोई भी जो है स्क्रैचेस या डस्ट नहीं आएगा। तो ये है वो बैक टेम्पर्ड, इसे मुझे यहाँ पर फिट करना है। साथ ही में मुझे मिला है वाइप्स और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी इसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी होता है। पहला नंबर वाला जो है उसे पुल अप करना है, एंड दैट्स लगाना है। फिर उसके बाद जो है ये सेकंड वाला, यानी कि आपको जो है ये सिकंड वाला उखाड़ना है, उसके बाद लगाना है। तो इससे बेसिकली जो है ये काफी थिन, इससे पता चलता है कि ये काफी थिन होने वाला है। एंड दैट जो आपके जो इसके खास बात ये है कि ये आपको जो है पूरा नीचे का कलर दिखेगा ही दिखेगा, तो इसे थोड़ा सावधानी से लगाना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो बिना पॉज किए आप देखते रहिए, ताकि आपका भी जो है फोन का जो बैक टेम्पर्ड है वो काफी बचा रहे। हालांकि इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन दी गई है, बट आप जो है अपने स्क्रैचेस से बचाने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो वाइप्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो है एक वेट वाइप्स है और एक जो है ड्राई है। तो वेट वाले को सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम वेट वाले को निकाल लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी यार, बट पूरा देख लेना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर जो है एक वाइप्स जो है मेरी निकल गई है, मैं इसे थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ और इसे भी साइड में रख देता हूँ, और इसके ऊपर मैं अपने फोन को रख करके पूरा अच्छी तरीके से वाइप से क्लीन कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको जो है इसे उखाड़ना काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं इसे यार उखाड़ लेता हूँ और यहाँ पर से भी इसे उखाड़ने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली उखड़ गया है, देख सकते हैं। और अब जो है मुझे इसे क्लीन करना है इससे, तो चलिए फटाफट से क्लीन कर लेते हैं। क्लीन से मतलब ये है कि आपकी जो एक भी फिंगरप्रिंट्स की जो दाग है वो नहीं रहना चाहिए। अच्छे से पूरा क्लीन करना है ताकि कोई भी इशू आपको बाद में देखने को ना मिले अपने फ़ोन के अंदर में। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से वाइप से पूरा क्लीन कर देता हूँ, एंड दैट्स कैमरा को भी काफ़ी अच्छे से मैं क्लीन कर देता हूँ। और इसके ऊपर यार एक भी जो है आपका जो है फिंगरप्रिंट्स नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से एकदम क्लीन कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर जब आप जो है टेम्पर्ड लगाइए तो वो एकदम क्लीन दिखे, एंड दैट्स किसी को ये भी ना पता चला कि आपने टेम्पर्ड लगाया है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और इसकी सारी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप रेडमी का नोट 7 प्रो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहां से जाकर आप इसे बाय कर सकते हैं। अब मैं जो है सेकंड वाइप्स को थोड़ा फाड़ लेता हूँ, क्योंकि यार इसमें क्या है ना कि कहीं कहीं पर हल्की हल्की लिक्विड है, तो वो लिक्विड अगर रहेगी तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैं जो है इसे अच्छे से जो है क्लीन कर लेता हूँ। तो फाइनली जो है हमारा फोन पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है, एंड दैट्स कहीं पर भी कोई भी डस्ट मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो फैन को ऑफ रखें तो ज्यादा बेटर होगा, या अगर एसी वगैरह चल रहा है, क्योंकि उससे थोड़ी डस्ट यार आ सकती है, तो हल्का सा आपको पड़ सकता है। चलिए ये तो हो गया, अब हम लाते हैं अपना टेम्पर। तो सबसे पहले यार इसे ध्यान से उखाड़ना, पहला नंबर है तो इसे मैं उखाड़ता हूँ कुछ इस तरीके से। ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ये यार ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पर तो यार ओपन नहीं हुआ है, तो चलिए फटाफट से हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर से कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो है ये हमारा जो है
ओपन हो चुका है। एंड दैट्स, इसको आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले जो चीज मिलाना है वो है आपका कैमरा। कैमरा अगर मिल गया यार तो सारी चीजें मिल जाएंगी अच्छे तरीके से। बस सबसे मेन चीज है कैमरा। सो गाइज़, यहाँ पर मेरा जो है कंप्लीट हो चुका है फास्ट फॉरवर्ड में, एंड दैट्स मैंने इसे रिमूव कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे यार कोई भी बबल्स देखने को नहीं मिल रहा, हालांकि मैं अगर जूम करके दिखाऊंगा तो छोटा छोटा यार बबल्स है, बट वो यार यूज़ करते करते ऑटोमेटिकली जो है फिनिश हो जाएगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ यार, तो उतने अच्छे से नहीं लगा सका इसके लिए सॉरी, बट फिर भी मेरे से जितना हो सका उतना लगा दिया। एंड दैट्स, आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं बबल्स को रिमूव करने के लिए, जो मैंने भी किया था, जिसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा दिया। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर